अमित शाह आज मणिपुर के दौरे पर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी के लोगों से मिलेंगे। मणिपुर मामले को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, खड़गे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी का बड़ा दावा, 22 विधायक 9 सांसद शिंदे की शिवसेना छोड़ना चाहते हैं। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, आज से शुरू होगा बीजेपी का महासंपर्क अभियान, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी को सताया हार का डर, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज आज से, सीएम धामी करेंगे आज मीडिया संवाद। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, 5000 कार्यकर्ताओं को संदीप पाठक देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी सरकार की बड़ी मुश्किल, आज हरियाणा में किसानों की महापंचायत, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 10 की मौत, 20 जख्मी। दिल्ली में आज भी आएगा आंधी तूफान, डीडीएमए ने मैसेज भेजकर किया अलर्ट। भारत यात्रा पर आएंगे कंबोडिया के राजा, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कंबोडिया के राजा के सम्मान में भोज देंगी। अमेरिका में उड़ी कानून की धज्जियां, फिलहाल डेल्फिया में भारतीय मूल के छात्र की गोली मारकर हत्या। स्पेन में भारी बारिश, मेट्रो स्टेशन पर भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। हरकतों से बाज नहीं आ रहा उत्तर कोरिया, जून में पहला सैन्य जासूसी उपग्रह करेगा लॉन्च। पाक में सियासी हलचल, एएनबी ने अल कादरी ट्रस्ट केस में अवामी मुस्लिम लीग के चीफ शेख राशिद अहमद को किया तलब। जिन्ना हाउस पर हमला मामले में इमरान खान की मुश्किल बड़ी, जीआईटी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। पाकिस्तान पर ब्रह्मोस दागने की गलती से झेलना पड़ा 24 करोड़ का नुकसान, केंद्र सरकार बोली खतरा बहुत बड़ा था। शेयर बाजार की सपाट ओपनिंग, निफ्टी में मामूली तेजी तो सेंसेक्स लाल निशान में ओपन। अच्छे बुरे बिल्डरों में पहचान के लिए हो विश्वसनीय ढांचा, ग्राहकों के पैसे पर घटानी होगी निर्भरता। पाकिस्तान ने रूस के लिए शिपिंग सेवा शुरू की, दोनों देशों के बीच बढ़ेंगे आर्थिक संबंध। कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 89.62 रुपए।